ओ रंग जेब तेनू शर्म दे नाल मरगना चाहिदा सी। तू मेनू खबर नहीं कीती ते ओना चालियां भुखियां ते तू 10 लाख चढ़ता ही। जिन्हां दे पेट च रोटी नहीं, बंदूकां च बारूद नहीं, पैरां च जोड़ा नहीं, ते तू मेनू खबर भी नहीं कीती। कलगिया वाले पातशाह महाराज एक पासे 10 लाख ते एक पासे 40। मेरे ख्याल साडे विचों 10 लाख बंदा इन्हां अखां दे नाल कट्ठा खलोता नहीं किसे ने वेख्या होणा। अमृतसर शताब्दी ते दुनिया भर दी सिखी कठी होई पर गिणती 4.5 लाख तो वध नहीं सकी। सतगुरु पातशाह महाराज इधर वजीद खां ने आख्या मुगलिया सरकार ने हुक्म कीता कि जे कोई सिख गुरु नूं छड़ के जाना चाहे ते उहनूं सरकार कुछ नहीं कहेगी, मूंह मंगे सगो इनाम देगी। पर एक भी सिख चमकौर दी गड़ी चो गुरु महाराज नूं छड़ के नहीं गया। मुगलिया सरकार ने हुक्म कीता अपने जरनेलां नूं 4 शेरों किले नूं घेरा पा लो, पौड़ियां ला के सिखां नूं हथो हथी फड़ लो ते गुरु नूं गिरफ्तार करके दिल्ली लै जाणा रंग जेब दे कोल। सिखां ने आख्या महाराज हुण की कीता जावे, इह ते पौड़ियां ला के चढ़न नूं तैयार हो गए। महाराज कहण लगे 2 सिख गेट ते गाली जाके पहरा दिओ, 5 सिंह 4 शेरों फिर के वेखो भी दुश्मन किधरों हमलावर हुंदा। बाकी सिंह सारे बुरजां च वीर आसन ला के बह जाओ। वीर आसन एक गोडा मूधा ते एक सिधा, तीरां दे कोल ढेर ला लो। पहला वार किसे दा करना नहीं, जेड़ा मां दा पुत बनेरे वालू चढ़े ना फिर ओदा आधार नहीं रखना। इधर बड़िया हंकारिया जरनैल नार खान ला के किले नू पौड़ी, किले दी कंध नू पौड़ी ला के उत्ते चढ़ लगा। चुदीदन के नाहर बयामन बयंग, चुशीदन जगे तीर तन बेद रंग। जदों ता चढ़ लगा ना कलगियां वाले पातशाह ला ला मुहम्मद रसूल अल्लाह करदा, जदों पौड़ी दे डंडे नू हथ पाया ता चढ़िया कलगीधर पातशाह महाराज ने। जदों नार खान नू वेख्या, क्या हो नार खान, शेर दे घुरने च ते सप दी खुड जरा सोच के हथ पाई दा। जदों थोड़ा जा टा चढ़िया मेरे कलगियां वाले पातशाह ने अपने पत्थे विचों स्वर्णमुखी तेज तीर कढ़िया, जितना सर करदा नार खान दी छाती वालू छड़िया उल्टा के पौड़ी तो थले सुट दिता। दूजा गणी खां दी गिच्ची छड़िया ओनू भी सदा दी नींद सुआता, फिर कोई पौड़ी वाले वधे ना। सारे जरनैल पिछा नू जान सिपाहियां नू अगे कर ले। एक बड़ा होर हंकारिया जरनैल ख्वाजा मरदूद अली, वजीद खां ने आख्या ओए ख्वाजा साहब ए बहादरी दियां गप्पां जनानियां तो बह के मारनियां जानदे जे हुण गां नहीं हुंदा। उस ख्वाजे ने आख्या खान साहब गुरु गोबिंद सिंह नू फल लेना ना ते तुहाडे वास्ती गल आ ना मेरे वास्ती गल आ, जे मैं तुहानू तुरिया फिरदा चंगा नहीं लगदा ते मम्मी पौड़ी चढ़ जाना। उन्हें आख्या पर होगा वेला की वेला, ते डरता डरता पौड़ी चढ़िया। डरेगा अगर रूए दीद में बजक तीर लाचार बख्शीद में बख्शीद में। जदों थोड़ा जा ता चढ़िया ना कलगियां वाले पातशाह बुरज विच बैठे वेखे ना, आंदे महाराज नू वेख के इतना शह गया ओ जितना कबूतर बाज नू वेख के शह जांदा। दूजे ते तीर खा के डिगे सी ना, बिना तीर तो ही डिग पिया। डरेगा महाराज दसम पातशाह अपनी बाणी विचित्र नाटक च लिखदे आ, डरेगा रूए ओ दीद में बयक तीर लाचार बख्शीद में। ओ वजीद खान जे तेरा जरनैल थोड़ा जा पौड़ी भी चढ़ जाना ना ते एक तीर में इहनू भी बख्श देना सी। सच है महाराज तीरां दी भी बख्शिश ही करिया करदे सी। वाह वाह। और महाराज दा चलिया तीर
कभी भी खाली नहीं सी जांदा, ना ते दुश्मन नूं मार जांदा सी जां फटड़ कर जांदा सी, ते हर तीर दी मुखी दे कंडी दे नाल, क्योंकि नोक दे नाल नहीं कंडी दे नाल, सोना कच्ची धात हुंदा, हर तीर दी कंडी दे नाल सवा तोला सोना लगा हुंदा सी। महाराज दी सोच इन्नी उच्ची सी, जे साडे तीर ना कोई मर जाए ओहदे खफण दा इंतजाम कीता जावे, ते जे कोई फटड़ हो जाए ओहदी मलम पट्टी दा इंतजाम कीता जावे। महाराज किन्नी सोच उच्ची दे मालक सन। अज मेरे कलगियां वाले पातशाह दे दो तीर आ, श्री अकाल तख्त साहब तुसीं सोधा रत तों बाद उहनां तीरां दे दर्शन कर सकदे जी, उहनां नूं सोना चढ़िया होया। तो मेरे कलगियां वाले पातशाह जदों इह दुश्मन दी चाल फेल हो गई ना, फिर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज नूं इहनां अगली स्कीम घड़ी कि सारे जरनैल कट्ठे हो, तोपां दा मूंह किले वल नूं कर दिओ, दरवाजा तोपां दे नाल तोड़ के ते सारा लौ लश्कर अंदर वड़ जाओ। जदों इह स्कीम सामने आई ते भाई नस्से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा साजा, मा प्यारा इह किन्नी मुतबक धरती है। मरने पंज प्यारे साजे, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहन सिंह ते भाई साहिब सिंह, इन प्यारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चमकौर दी कड़ी में शहीद होई। जदों दुश्मन अंदर आने दी सोचन लगा, भाई हिम्मत सिंह ने आख्या, महाराज हुण ते दुश्मन अंदर आने दी ठान लिया, आ गया दो दुश्मन दे नूं बाहर जाके लोहा लिया जावे। भाई हिम्मत सिंह जी अठा सिंघां दा जत्था लैके गया, आंदे इन्ना लड़िया हजारां मुसलमाना की तबाही करके ए सारा जथा शहादत दे जान दी गया। जथे जांदे गए शहीद हुंदे गए, कलगियां वाले पातशाह जी दा जेठा पुत बाबा अजीत सिंह जिहदी तकरीबन 18 वर्ष की उम्र सी, अजे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मुंह ते उतर रही सी, कलगियां वाले पातशाह महाराज दा पुत्र कलगियां वाले सामने आके खलो गया, महाराज इस जंग नूं जाण दी मैनूं आग्या दिओ। महाराज कहण लगे, ओ पुत्तर अजीत सिंघा, जे तैनूं मैं आवाज मार के बुलाउंदा दुनिया दे कदे अर्थ होर कढ़ने सी, ओ तूं अपने आप नूं पेश कीता ई, जदों कदे भीड़ विच पंथ नूं लोड़ पैगी तेरे वर्गे योधे अपने आप छाला मार के अग्गे आ करनगे। महाराज जी दा जेठा पुत्तर गुरु के सिखो किसी का जवान पुत होए ना, तो ओहदे मन दे बलबले हुंदे आ वी मेरा पुत जवान हो गया, मैं इहदी कदों मंगणी करां, कदों मैं इहदा व्याह करां, इह मेरा पुत्र जवान हो गया है, इह बोड़ दा बूटा मैं इहदी छावें बहूंगा, मेरा वडेपा इहदे आसरे सुखाला बतीत हो जाएगा। पर कलगी धर पातशाह महाराज अपने पुत्र नूं जंग नूं तोर लगे आ। कलगियां वाले दा पुत्र ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਹਦਗਰ ਹੱਥ ਬੰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਉੱਠੀਆਂ ਆਣ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਨਾ ਪੰਨਾ ਵਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਨਖੋ ਛੱਡਾਂ ਅਗਲ ਬਾਣ ਅੱਗ ਅੱਗ ਝੱਲੀ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਜਲਾ ਕਰਨਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ, ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਆ, ਸੁੰਦਰ ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਦਲੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋੜ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ।
दया सिंह अजे ते पहली किस्त ते तेरिया अखा च हंजू बाबा अजीत सिंह जी पेट ते इन्ने भरी सन जिधर नूं आ फिर जांदे सी जिधर नूं उन्हां दा घोड़ा सीख पाउंदा सी ना दुश्मन एक दूजे ते डिग डिग के जाना बचाउंदे सी बाबा अजीत सिंह देख दे इन्ने धनी सी भी जिधर नूं आ फिर जांदे सी ना जितना किसे किसान की सुखी कणक नूं बाप रोला अडा के लै जांदा जितना कोई जमराज फेरा मार के जूंदियां जानां नूं इतना मुर्दे च बदल दे सिखो बाबा अजीत सिंह जी इन्ना लड़िया इन्ना चंगा लड़िया भी एक रात दुश्मन दलां दे आओ ला ला के रख दिते आने जिधर बाबा अजीत सिंह दा मन हुंदा सी घोड़ा भी उधर नूं तुर पैंदा सी बाबा अजीत सिंह जी दुश्मन जदों लड़दिया वेख्या ना कलगियां वाले पातशाह महाराज चार सब जैन दी मूवी सब ने देखी हुई है पर गुरु के सिखो उन्होंने सोना उपराला किया पर जो बाबा अजीत सिंह ने उथे जंग लड़िया ना दुश्मन च मूझ उंगला पा के कहते सी जा अल्लाह सूरमे दे शस्त्र टुट के डिग पे पर अजे बाहां दा बल नहीं खत्म होया जो बाबा अजीत सिंह ने जंग किया ओनू मूविया बयान नहीं कर सकती तन बाबा अजीत सिंह जी गुरु के सिखो साडे इतिहास च हिंदू इतिहास राणा संग्राम होया आंदे ओ एडा बहादुर सी राजपूत घराने च होया ओ एडा जवान सी एडा बहादुर सी ओदी लड़दियां लड़दियां एक अख चले गई एक लत कटी गई एक हथ कटिया गया ते शरीर उत्ते 80 होर ओदे जख्म सी ओ बहादुर एडा निकलिया ओने अकबर दी गाड़ी अपने सिर नी झुकाया दुनिया उत्ते माण करदी उत्ते सोने गाउंदी है पर जदों मैं ओ सराणा संग्राम नूं बाबा अजीत सिंह दे लागे खड़ा करदा ना ते ओदी बहादुरी मैनू पौनी नजर आउंदी खास किते सानू अपने इतिहास दी वडियाई दा पता होवे मेरा भाव किसे नूं छटाउणा नहीं पर जदों असीं कंपैरिजन करदे आ ना उदों फिर ओदी बहादुरी मैनू पौनी नजर आउंदी बाबे अजीत सिंह दे जिस्म उत्ते 500 फट सन 500 300 गोली उहनां नूं लगी सी बाबा अजीत सिंह धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज अपने पुत्र नूं मैदाने जंग नूं तोर के ना ते दया सिंह नूं कहन लगे दया सिंह एक पौड़ी कर पौड़ी महाराज की करनी जे सतगुरु कहन लगे मैं किले दी कंध चढ़ना वाहेगुरु सच्चे पातशाह मीह दियां कणियां ते गिणियां जा सकदियां पर जिन्ने दुश्मन वैरी वार कर रहा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨੇਜਾ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਚ ਵੱਜਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਚ ਵੱਜਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ 5 ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਸ ਕੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਪਿਆਸ ਕੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਇਤਿਹਾਸੇ ਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ
अपने मकान बनाए ते किन्निया ने अपनी जिंदगी च कारा हटाइया इतिहास कदे नहीं लिखा मिलता। इतिहास लिखा की मिलता किसे मर्द गुरु ने तत्ती तवी ते कितना चौपड़ा लाया। इतिहास जिक्र होंदा कि उस चाननी चौंक नू अपने खून दे नाल किस तरह सिंजिया तिलक और जन्नू दी कितना राखी कीती। इतिहास जिक्र होंदा मेरे कलगीधर पातशाह दे चार पुत्र सन उन्हां कितना धर्म तो निशावर कर दिते। इतिहास दे पन्नियां ते जही जिंदगी छड़ जानी जिन्हू कौम पड़े ते एकरा खेड़े विच आ जी। ਉਹ ਜਿਸ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮਰਜਾਏ ਬੂਟੇ ਇੱਕ ਨਾ ਟੈਗ ਪੈਣਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹਜੋਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸੀਸ ਨਵਾਜਣ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਜਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਦੇ ਕੰਬ ਜਾਣ। ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਦਾੜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੁਣੀਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਲੋੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਦੋਂ ਲੋੜੇ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਵੇਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹਨੇ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲਾਮਿਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੌਣ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਗਰ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਮਰਾਤੇ ਸਿੰਘੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਹੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੰਬਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੜਿਆ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਏਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਉ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੜਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਤੇਗ ਟੁੱਟੀ ਅਭਿਮਾਨੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਥਾ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ।
मेरे पातशाह आप जंग नू जन नू तैयार हो गए। कुछ सिंघां ने महाराज नू बेनती की, महाराज तुसी पंथ दा मूल हो, तुसी पंथ दीआं जड़ां हो, महाराज जे तुसी इस कड़ी दे विच्चों सुरक्षित निकल जाओगे ते महाराज तुसी साडे वर्गे हजारां सिंह फिर तैयार कर लो। मेरे कलगियां वाले पातशाह महाराज सिंघां दी बेनती नू मन के इस चमकौर दी गड़ी दे विच्चों निकले हन ते फिर उह डर के नहीं निकले। महाराज ने नारा लाया, पीर हिंद में रवता, कोई हिंद दा पीर जा रहे दे, जे किसे विच जुरत है ते मैनू फड़ के दिखाओ। एक गल चेते रखे, जो कलगीधर पातशाह महाराज इस चमकौर दी गड़ी चो निकल लगे है ना ते पैरां तो जोड़ा लाता, भाई दया सिंह ने बेनती की, महाराज कोमल चरणा दे विचों कदी जोड़ा नहीं सी लाया, अज जोड़ा क्यों लाता जी। ते मेरे कलगियां वाले पातशाह कहन लगे, प्यारे दया सिंह जी, मैदाने जंग विच मेरे सिंह लड़के शहीद होए, उन्हां दे दस्तारे खुले होणगे, उन्हां दे केस खुले होणगे, उन्हां दे केसां नूं जोड़ा लग जे, मैं देण कित्थे दूंगा। कलगियां वाले पातशाह ने इन्ना केसां दे नाल प्यार कीता गुरु के सिखो, अपने सिंघां नाल किन्ना प्यार कीता, जे अजे भी तू सिखी ना धारण करें ते साडे तों वध किस्मत बंदा दुनिया च होर कोई नहीं हो सकदा। कलगीधर पातशाह महाराज तुरे आ, इतिहास कहिंदा बिजली चमकी आ, बाबा अजीत सिंह दा शरीर पिया, बाबा अजीत सिंह दा शरीर पिया। भाई दया सिंह ने बेनती की, महाराज जी मैनू इउं लगदा जितना पुत्र अजीत सिंह जां तुहाडा शरीर पिया, जे तुहाडा हुक्म होवे ते दो गजे ते चादर पा दिओ। मेरे कलगियां वाले पातशाह कहन लगे, प्यारे दया सिंह जे तेरे को सारिया ते पाउण नू चादर हैगी है ना ते फिर ते जीत सिंह ते भी पा दी, जे तेरे को नहीं ते फिर जीत सिंह नालों मेरे ओ वध प्यारे। आओ मेरे कलगियां वाले पातशाह की कह रहे हैं भाई दया सिंह नू, धन गुरु नानक सचे पातशाह तो लैके दसम पातशाह दस जामे तारे, तेरे देश विच विचरे, तेरे विच विचरे, के ए सिखी प्रफुल्लित हो सके, मनुख आदर्शवादी बन सके, तकड़ा कोई माड़े नू सतावे ना, कमजोरां दा राह सदा विच हिस्सा होवे, ए तेरे वास्ते सब कुछ कीता। ते सिखा जान लगा पल्ले झाड़ गया ते कहन लगा, मेरा जेड़े तुसी पांजे मैं ही हां, तुहाडे विच मैं ही विचरूंगा, मेरा हुक्म भी तुहाडा, मेरी कलगी भी तुहाडी, मेरा सब कुछ तुहाडा। गुरु के सिखो, जिन्हां ने अजे तक खंडे बाटे दा अमृत नहीं छकिया, ओह नगुरे पुणे दी झूठ ला के ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह दे नादी पुत्र बनो। नौजवानों तुसी सानू बहुत प्यार करदे जे, बड़ी माया भी दिंदे जे, बड़ा प्यार करदे, बड़ियां सल्फियां लवांदे जे, जे सारना प्यार करदे जे ना ते फिर गुरु नानक महाराज दी सिखी नाल प्यार करो। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने ओ छोटे छोटे साहिबजादे 7 ते 9 साल दे ते 7 ते 9 साल दे बच्चे नू अजे तक किसे ने बाबा नहीं जी आख्या, उन्हां दी महानता दा चिन्ह है, जिन्हां ने कौम नू इक लीड दित्ती आ, जिन्हां ने सानू इक जिंदगी जीउण दा ढंग सिखाया, ते ओह फुल जिन्हां नू चला जिनी तत्ती वाह लगे ते ओह कमला सकदे सी, ओह सी गुरु गोबिंद सिंह दे फरजंदा जिन्हां ने हर मुसीबत विच सानू खिड़े मत्थे रहण दी जाच सिखाई। एक पासे सारे दुनिया दे सुख वा ते एक पासे सिखी आ, ते साहिबजादे कह रहा जिन्ना चिर जीवांगे उन्ना चिर धर्म विच रह के जीवांगे, धर्म विच। एक पासे दुनिया दे लालच दुनिया दे सुख ते एक पासे मौत खलोती है,
नौजवानों वीरों को चाती मारो अपने अंदर गुरु सानू सोझी बचकरे ए परम करके जायो के असी सब जादियां नू कदे पिठ नहीं विखाउणी उन्हां वाले अपना मुख रखना ते किते सिखी धारण करके वेखियो सिखी दे विच लभदा की कोई ते किन्ने सुख सब जादे सारा इतिहास ते नहीं मुण कहना आखरी कविता मैं कहन लगा जदों सब जादे नीयां विच चल लगे ना जिहड़ी चिंदिया चिंदा नी जदों गोडिया तक आई ना ते सूबा सरहंद नू पुछिया गया भी नी टेढ़ी हो रही है उन्हें आख्या नी नी टेढ़ी करनी एक नी झाड़नी इन्हां दीआं चपड़ियां झाड़ दित्तियां जाण ते साहिबजादियां दे गोडे झाड़ दित्ते गए सी उन्हां फिर भी सिखी तो मूंह नहीं समोड़िया धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे पुत्र चारे शहीद हो गए ते माछी वाड़े च महाराज सानू सुख देण वास्ते किन्ने उन्हां कष्ट सहारे जदों रायकोट गए गुरुद्वारा टाली साहब जिथे महाराज ने काई दा बूटा पुटिया सी उतो नूरे माई नू महाराज ने खबर लाण वास्ते कल्या सी ते कलगीधर पातशाह महाराज नू जदों नूरे ने आके सारी कहानी रो रो के दसी ना कलगियां वाले की पुछ रहे भी मेरे पुत्र किते डोले नी जदों वजीर खान ने डरावे दिते मेरे पुत्र किते घबराए तो नहीं जितना नूरा रो रो के कहानी दस रहा ते कलगियां वाले पातशाह अपने पुत्रां दा हाल पुछ रहा गुरु खालसा जी इस चीज नू गा लेना सुन लेना लिख लेना बड़ा आसान पर जदों उत्ते वापरे ना फिर पता लगदा धन कलगियां वाले पातशाह महाराज सारा सरबंस वार के सानू ये सरदारियां दित्तियां आ जदों दिन आउंदे हुंदे आ ना ओदे दिन छे पोदे दिन छे पोदी रात निकली आ मैं वेख्या जिहड़े शरदालु सिख वा ना फतेहगढ़ साहब दे भाई तेजवीर सिंह जी ओह आसन अपने मंजिआं तों थले ला लैंदे आ भी इन्हां दिनां च असीं मंजिआं ते नहीं चढ़ के सौणा इन्हां दिनां च असीं पुंजे आसन कर लैणे मेरे गुरु दे पुत्र ठंडे बुरजे च पुंजे पए सन तन ते कोई कपड़ा नहीं सी पेटों भुखे सी मेरे कलगियां वाले पातशाह जामा लीरो लीर हो गया पैरां विच भुक भुक छाले पया टिंड दा सराणा ला के पुंजे माछी वाले पए किहदे वास्ते ओह सानू सिख देण वास्ते इस करके इन्हां दिनां च अपने धीआं पुत्तरां दे पंज छे दिन जिहड़े ना छे पो तों ला के तेरां पो तक ये पंज छे दिन विचार लिया करो इन्हां दिनां च साहिबजादिआं दी याद विच जुड़ के ब्याह करो गुरु कृपा करे।